नमस्ते दोस्तों, कुछ ही दिनों में होली आने वाली है और होली के त्योहारों में मठरी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। चाय कॉफ़ी का एकदम परफेक्ट साथी और ये होली के रंगों के बराबर कलरफुल मठरियाँ, और वो भी हम बनाएंगे आज एकदम नए ट्रिक से। मतलब कि ना कोई इसके लिए पैलपोट की ज़रूरत है और ना कोई साँचे की ज़रूरत है। आज का ये वीडियो आप देख लोगे ना तो आप ये रेसिपी के दीवाने हो जाओगे। मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा लिया है, आप चाहे तो आधा मैदा आधा आटा भी ले सकते हो। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच अजवाइन को हाथों से ही क्रश करके डालेंगे। एक चम्मच मैंने दरदरी कूटी हुई काली मिर्च ले लिए। इन सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। 1/4 कप के जितना घी को मैंने गुनगुना गर्म करके ये यहाँ पर मिक्स किया है। अब यहाँ पर मौन के लिए आप चाहे तो तेल भी ले सकते हो, पर जो मौन के लिए है ना, घी का जो इसमें मौन रहेगा बहुत ही खस्ता बनता है। आखिर में मैंने 2 चम्मच सूजी ले ली है और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके मैंने 3 हिस्से कर दिए हैं, मतलब कि 3 हिस्से करके अब हम देखिए इसमें से क्या करेंगे। पहले वाले हिस्से के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और यहाँ पर लिया है मैंने बीट का जूस, और इससे हम ये हमारा आटा लगा लेंगे। तो कोई कलर की ज़रूरत नहीं है और बीट से हमें नेचुरल मठरी का कलर मिल जाएगा। आटा हमने एकदम ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा मुलायम रखा है, एकदम परफेक्ट आटा रखा है। और आखिर में मैंने 1 चम्मच घी से इससे चिकना कर लिया है। आप देख सकते हो कि मैंने इसको प्रेस किया तो फिर से ये फ्लफीनेस हो रहा है, तो परफेक्ट आटा तैयार है। अब यहाँ पर दूसरा आटा, जिसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच हरी मिर्च की पेस्ट, और साथ में मैंने यहाँ पर लिया है पालक की प्यूरी। पालक को मैंने हल्के गुनगुने पानी में 5 मिनट के लिए रहने दिया और तुरंत निकाल कर इसको मैंने ठंडे पानी में रख दिया था। अब यहाँ पर ये भी आटा तैयार है, इसको भी आखिर में 1 चम्मच घी से इसे चिकना कर देंगे। आप देख सकते हो कि हमारा जो ये बर्तन है ना वो भी एकदम साफ़ है, मतलब कि हमारा आटा ये परफेक्ट लग रहा है और इसमें मौन भी परफेक्ट है, इसकी ये निशानी। अब यहाँ पर ये थर्ड वाला आटा हमने लास्ट में प्लेन लिया है और इसके साथ हम सिर्फ पानी का ही यूज़ करेंगे। प्लेन हमने लास्ट में इसलिए लिया है ताकि अगर जो हमने पहले वाले बीट या पालक के लिए हमें ज़रूरत पड़े ना, तो प्लेन वाला आटा उसके अंदर हम मिक्स कर सकते हैं। बस इसके साथ भी थोड़ा सा तेल के साथ चिकनाई कर दी और ये आटे को, एक एक आटे को हमें 5-7 मिनट तक अच्छे से नीडिंग करके इसे हम कुछ 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ख्याल रखें कि आटे को आप ढककर रखिए, वरना ये थोड़ा सा कड़क हो सकता है। तो हमारे ये तीनों टाइप के आटे तैयार है। तो अब हमारा एक बाजू तेल भी गर्म है और देखिए मैंने इसका एक रोल बना लिया। जैसे मैंने आपको कहा ना, कोई पैलपट नहीं भाई। आज मैंने यहाँ पर कैंची का इस्तेमाल किया है, कैंची तो सबके घर पर होती है, तो क्यों ना आज हम कैंची से हमारी एकदम अलग टाइप की मठरियाँ बना दे और वो भी कलरफुल। तो आज का ये जुगाड़ आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और ऐसा नहीं है कि आप इसे होली के लिए ही बनाइए, आप इसे कभी भी चलते फिरते बनाइए। और तेल भी तो आप देख सकते हो बहुत कम लिया है भाई, लोहे की कढ़ाई है, थोड़ी सी तो डार्क दिखेगी। और देखिए आप बड़ी कैंची से भी ये काम कर सकते हो। दोस्तों आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बाजू में दिख रही बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही आसान से रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए क्या से क्या ट्रिक और जुगाड़ हम भी कर सकते हैं। हलवाई तो नहीं है, पर हलवाई से कम भी हम कहाँ है ना दोस्तों। तो ऐसे जुगाड़ तो हमें करने ही पड़ते हैं। और देखिए सबका टेस्ट है ना आपको अलग अलग मिलेगा, क्योंकि हरी मिर्च वाला और एक में चिली फ्लेक्स और एक में प्लेन। तो भाई ये तीनों रेसिपी मैं तो कहती हूँ जल्दी से ट्राई करिए। आधा किलो मैदा में से इतनी सारी मठरियाँ हमने बना दी और तैयार है ये हमारा नाश्ता। आप इसे 15 से 20 दिन के लिए एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। और हाँ दोस्तों,
इसे तलते वक्त गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा। हाई फ्लेम पे ये ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो ऐसा कुछ ना हो। देखिए मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे तला है, तो एकदम कुरकुरा और एकदम क्रिस्पी नाश्ता हमारा तैयार है। और सूट ख़त्म हो गया, तो भाई मैंने इसे तीनों को एक साथ एक जार में भर दिया। तो आप भी ऐसे नाश्ते का बनाकर एंजॉय करिए और मुझे याद करिए।